पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन 24 को लेकर देश और प्रदेश में सियासी पारा गर्म है। पूरे देश को राजनीति की दिशा दिखाने वाले उत्तर प्रदेश में भी सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। यूपी में इन दिनों अखिलेश यादव अपनी चुनावी तैयारियों को धार दे रहे हैं। अखिलेश यादव अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। राजनीतिक सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल कर लिए हैं। इनमें वो सीटें हैं जो यादव परिवार के प्रभाव वाली मानी जाती हैं। भले ही अभी इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा तय ना हुआ हो, लेकिन अखिलेश अपनी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं आजमगढ़ से शिवपाल यादव या उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे और अखिलेश के चचेरे भाई अक्षय यादव चुनाव लड़ सकते हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव का चुनाव लड़ना तो तय है, तो वहीं पिछली बार बदायूं से हार का सामना कर चुके धर्मेंद्र यादव फिर से चुनावी ताल ठोकते दिखेंगे। वहीं फैजाबाद, अंबेडकर नगर, उन्नाव, घोसी, गाजीपुर, सलीमपुर, फरुखाबाद, प्रतापगढ़ और लखनऊ की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या यही चुनावी प्रत्याशी देखने को मिलते हैं या फिर कोई फेरबदल होता है। डिजिटल रिपोर्ट, भारत समाचार।